इंडियन बाइक ड्राइव थ्योरी के अंदर आज हम ढूंढने वाले टॉप 5 हिडन मॉन्स्टर कार्स को, जिसके अंदर काफी सारी खतरनाक मॉन्स्टर कार्स छुपी पड़ी है। उनको हमें अलग अलग लोकेशन पर जाकर ढूंढना है, जिनमें से लास्ट की दो गाड़ी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो गेम को हमने कर लिया स्टार्ट एंड आज हम ऐसी कुछ खतरनाक मॉन्स्टर कार्स को ढूंढने वाले जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और अलग अलग जगह पर छुपी पड़ी है। तो वेल गाइस, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली गाड़ी कौन सी होने वाली उसको देखते हैं, वो अपने मोबाइल के अंदर ही आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कौन सी है वो, तो ओके यहाँ पर ये है लैम्बोर्गिनी, मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी, जिसका एरिया गाइस क्या आपने कुछ चीज नोटिस करी? तो वेल गाइस, मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ, पहले गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड ये है अपनी जो रैंप है वहाँ पर ये होने वाली है। तो अभी मैं डायरेक्ट वहीं पर जाता हूँ अपनी मस्टैंग को लेकर एंड अभी मैं आपको दिखा दूँ वो वाली लोकेशन कहाँ पर है। तो वो जब ये अपना एक न्यू रैंप ऐड किया गया वहीं पर ये वाली लोकेशन है जहाँ पर ये गाड़ी ऐड करी गई है, मतलब गाड़ी ऐड नहीं करी गई, गाड़ी वहाँ पर पड़ी है। तो अपने को सबसे पहले उस बड़े से रैंप के पूरे ऊपर जाना पड़ेगा पहले अपने को, तब जाकर हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो चलो गाइस, अभी चलते अपनी मस्टैंग से एंड उस वाले रैंप पर। पर्सनली भाई मैं नहीं गया हूँ, मतलब की बाइक से तो गया हूँ और उस जेट से भी गया हूँ, लेकिन कार से आज दिन तक एक भी बार नहीं गया हूँ। तो लेट्स सी गाइस, मैं जा पाता हूँ या फिर नहीं। एंड चलो गाइस, अभी ये जस्ट आपको इस साइड का रैंप, ये सारे रैंप पर तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन वो जो रैंप है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, भाई गाड़ी क्या ही चल रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपने को इस साइड नहीं जाना, इस साइड अपने को चलना है, तो वहां पर मैं जल्दी से चलता हूँ एंड यहीं पर अपनी होने वाली है वो गाड़ी। ओके, एक लड़की को हमने मार दिया, यहाँ पर कोई बात नहीं। एंड वो जस्ट अपने सामने जो ये वाला रैंप दिख रहा है, इस वाले रैंप के सीधा टॉप फ्लोर पर अपने को जाना पड़ेगा। एंड आप तो देख सकते हो कितना ज्यादा चैलेंजिंग ये होने वाला है, पूरा अपने को गोल गोल घूमकर जाना पड़ेगा। तो आई होप मैं इस पर जा पाऊँ। तो ये यहाँ पर अभी हम एंटर कर लिया हमने एंड यहाँ से एक टर्न लेना अपने को राइट। ओके परफेक्ट, एंड अपने को थोड़ा और सही से अपने को जाना। ओ वेट, अबे नीचे नहीं गिरना, शिट, एक सेकंड। ओके बच गया भाई, काफी ज्यादा इसमें हार्ड चैलेंज है, तो अभी हम पूरा ट्राई करके जल्दी से जल्दी बेटर से बेटर करने की। तब तक आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो, आपकी 5 मॉन्स्टर कार्स में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी आपको, आगे आपको पता चल रहा कौन सी होने वाली वो, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो वेल गाइस, अभी जल्दी से अभी ऊपर चलते हैं। एंड वैसे मैंने सोचा था इससे काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन गाइस पर्सनली बाइक से भी ज्यादा मेरे को इजी। ओबे वेट वो टबे भाई, ये क्या थोड़ी सी तारीफ कर दी, हम यहीं पर अटक चुके हैं। अबे शिट भाई यार, ये तो गलत ही सीन, अभी यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। ओके गाइस, तो अभी पूरा नीचे से एक बार फिर से ऊपर आ चुका नई गाड़ी लेकर यहाँ पर। एंड भाई ये क्या हो क्या रहे, मस्टैंग है क्या भाई, अबे अटक गई गाड़ी, शिट यार भाई। मेरे को आई थिंक यहाँ पर कोई ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा कम है, इसकी वजह से व्हील्स यहाँ पर ऑटोमेटिक घूमने लगे, लेकिन ऊपर ही चढ़ रहे भाई। रुको भाई सही से चल ले, अबे वेट ए सेकंड भाई। ओके गाइस, फाइनली जैसे तैसे करके आखिरकार ऊपर में आ चुका हूँ एंड अभी अपनी गाड़ी देखते कहाँ पर पहुंचे। ऑलराइट, वो देखो गाइस जस्ट सामने अपने, एंड अभी अपने को पहली मॉन्स्टर कार मिल चुकी जो है अपनी लैम्बोर्गिनी। चलो परफेक्ट है भाई, अभी देखते हैं यहाँ पर, अब इसके अंदर एंटर करते। ऑलराइट, काफी सही लग रही है एंड यहाँ से इसी टाइप से, ये तो अपनी जस्ट पहली गाड़ी है, आने वाली 4 गाड़ियां और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली, तो आप एंड तक देखते रहना। ओके, इसके अंदर हम एंटर करते हैं एंड यहाँ से खतरनाक जंप लगाते हैं। वैसे गाइस इसके पीछे का ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, पता नहीं इसका ये कैसे टूटा हूँ। एंड चलो गाइस, अभी यहाँ से एक जंप लगाते हैं, लेट्स गो, 3, 2, 1, लेट्स गो। यहाँ से हमने खतरनाक सा जंप लगा दिया एंड क्या ये गाड़ी बच पाएगी अपनी, या फिर हम भी बच पाएंगे, मतलब हम ऑटोमेटिक बाहर तो नहीं फेंक देगा अपने को। ओके बच गए भाई, परफेक्ट। एंड इसके व्हील्स इतने ज्यादा बड़े कि गाड़ी पर कुछ भी डैमेज नहीं आया, देखो भाई पूरी, मतलब पूरी मॉन्स्टर है, लेकिन इसकी व्हील्स की वजह से इसके ऊपर कुछ पीछे का ये भी नहीं टूटा भाई, मतलब ये पहले से टूटा हुआ था लेकिन इसे अलग नहीं, अबे इतने ज्यादा ऊपर से नीचे गिर गई तब नहीं टूटा, लेकिन इतने से छोटे से यहाँ पर ऊपर जाने में टूट गया, गलत अलग ही सीन है भाई। तो चलो भाई सभी इसको लेकर चलते हैं एंड अभी इसको थोड़ा सा आगे में चला कर जाता हूँ एंड देखेंगे अपनी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली। तो पहली गाड़ी तो ठीक ठाक सी थी, अभी देखते हैं नेक्स्ट का। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी एग्जिट करते हैं, अभी देखते हैं कौन सी है नेक्स्ट कार सेकंड नंबर पर। तो लेट्स गो, ऑलराइट मॉन्स्टर टार्जन। एंड गाइस, ये लोकेशन तो आपने देख ली होगी कौन सी है ये, तो गाइस आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कौन सी लोकेशन है। तो चलो गाइस, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, जो प्रो प्लेयर्स इंडियन बाइक ड्राइव थ्योरी उनको ही पता होगी ये वाली लोकेशन। तो चलिए बताता हूँ 3 ऑप्शन। तो सबसे पहली ऑप्शन ये अपनी मेगा रैम की साइड, यानी मेगा रैम की कोई भी एक साइड, या फिर अपना जुरासिक पार्क, या फिर पुलिस स्टेशन, एक और ऑप्शन देता हूँ चौथा ऑप्शन ये है, या फिर अपनी ट्रेन स्टेशन। तो ये 4 ऑप्शन, इन 4 में से कौन सी जगह पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, मेरे को कमेंट्स में जोर से बताना। जो प्रो प्लेयर्स होंगे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा एंड अभी 3 और 4 साइड इसी साइड से आने वाली, तो मैं भी इसी साइड से जाना वाला हूँ एंड अभी जल्दी से वहां पर चलते। एंड वैसे गाइस ये वाली मेरे को लगता है सारी मॉन्स्टर कार्स सेम ही है,
मतलब कि इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंट दिखता है, मतलब गाड़ियाँ ऊपर सिर्फ इनकी बॉडी चेंज होती है और तो इसके पूरे नीचे का पूरा सिस्टम सेम ही है। इवन स्पीड मेरे को सेम ही लगती है, स्पीड में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, मतलब सेम टू सेम उसी टाइप की आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो चलो गाइस अभी मैं उस वाली लोकेशन पर आपको मिलता हूँ डायरेक्ट। ओके गाइस, तो किन लोगों ने यहाँ पर ट्रेन स्टेशन यहाँ पर चूज किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आप देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर यही अपना ट्रेन स्टेशन और यहीं पर तो थी भैया सबसे इजीएस्ट था भाई, मतलब यहाँ पर सब कुछ दिख रहा था, पीछे बैकग्राउंड में ट्रेन भी दिख रही थी, ऊपर का ये यहाँ पर टपरी वगैरह ये भी दिख रही थी, मतलब बिल्कुल इजी था। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा ऊपर कैसे जाऊंगा यहाँ पर। ओके गाइस, इसके लिए अपने कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ये ऊपर रख रखी थी इसके लिए अपने को एक थोड़ा सा मून ग्रेविटी वगैरह एक्टिवेट करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्फिनिटी हेयर लगा लेते हैं एंड यहाँ पर अपने को एक सुपर जंप लगाना है, तो लेट्स गो यहाँ पर जंप करते हैं एंड ऊपर जाकर हम देखते हैं क्या ऊपर जा पाएंगे। बस सक्सेसफुल ऊपर चले जाना प्लीज भाई, नीचे नहीं गिर जाए। ओके अबे शिट भाई, नीचे गिर चुका है भाई, फिर से ट्राई करना पड़ेगा शिट। ओके गाइस, इस बार इस साइड से जंप एंड प्लीज भाई साइड से चले जाना भाई प्लीज। ओके परफेक्ट, चलो इस बार तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे एंड लेट्स गो। सेकंड गाड़ी भी अपने काफी ज्यादा करीब है एंड देखते हैं यहाँ पर इसको लेकर जाते हैं, देखेंगे नेक्स्ट कौन सी हो सकती है। वेल भाई ये गाड़ी ऐसे बिल्कुल ही मतलब कैसे यहाँ पर, अबे अभी एक सेकंड, अबे इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ इसके टकराने से नीचे कैसे जाने लगी, मैं अलग ही सीन है भाई। मैं भी चलता हूँ फिर तो भाई, मतलब कि अबे मैं नीचे, अबे शिट भाई खत्म, मर जाऊंगा भाई, इतना बड़ा मॉन्स्टर गाड़ी अपने ऊपर पड़ेगी तो फिर तो अपनी हालत पतली हो जाएगी भाई, निकल। अबे शिट भाई ये गलत सीन, अबे यार अब तो अपना बचना इम्पोसिबल है भाई प्लीज कहाँ पर। अबे नहीं यार शिट, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पूरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा इतना मेरे को शिट। ओके गाइस फाइनली यहाँ पर एक बार फिर से सेफ लैंडिंग मैंने कर ली, यहाँ पर गाड़ी भी ऊपर आ चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर इसके एंटर का बटन कहाँ पर गया। वेट ए मिनट, उस साइड से तो अबे कहाँ पर गया एंटर बटन, ये अपनी सेकंड नंबर की थी आई थिंक, वेल जितने भी नंबर की थी काफी ज्यादा बढ़िया थी। अभी देखेंगे नेक्स्ट व्हीकल, लेट्स गो मस्त जंप, इससे जंप करने से बिल्कुल स्क्रैच तक नहीं आया गाड़ी पर, काफी मस्त है भाई ये। चलो गाइस एग्जिट करते हैं एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली। ओके गाइस ये है फॉर्चुनर एंड अभी इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कौन सी जगह पर है। ओके ये पार्किंग एरिया जहाँ पर अपने को जाना पड़ेगा अभी, लेट्स गो गाइस। ये मतलब कि सिर्फ देख कर ही पता चल जाता है ये लोकेशन कौन सी है भाई, इतने ज्यादा प्रो है भाई। आप कमेंट में आपको भी पता चल जाता होगा यहाँ पर फोटो देखकर, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कौन सी लोकेशन थी, मतलब पूरे पांच में आपको यहाँ पर दिखाना होगा उनमें से कौन सी फर्स्ट नंबर की, कौन सी लोकेशन थी सेकंड थ्री फोर फाइव इस टाइप से। एंड चलो गाइस अभी पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड ये गाड़ी भाई ये कुछ अलग ही टाइप की गाड़ी है, मतलब कि टार्जन गाड़ी तो ऑटोमेटिक भी चलनी चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसमें, मतलब कुछ बटन होता है जिससे टार्जन द वंडर कार बन जाती है और ऑटोमेटिक चलने लग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर गाइस अभी हम चलते हैं जल्दी से वही वाली लोकेशन पर जहाँ पर वो दिखाएगा एंड वहाँ पर मिलते हैं लस्ट को। ऑलराइट गाइस अभी इस पार्किंग एरिया के बिल्कुल ही टॉप फ्लोर पर अपने को जाना पड़ेगा एंड ये भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, मतलब कार और बाइक से इस वाले एरिया पर मैं गया हूँ लेकिन मोस्टर कार से 8 दिन तक मैं इसके ऊपर नहीं गया हूँ भाई, यहाँ पर कुछ दिख तक नहीं रहा सही से भाई, इतनी ज्यादा इसकी हाइट है। तो आई होप मैं सही से जा पाऊँ भाई, देखो भाई कितना बिल्कुल ऊपर वाला है यहाँ पर एरिया दिखा देता है ये, मतलब इसके जैसे ऊपर जाते हैं। तो खैर गाइस अभी चलते हैं जल्दी जल्दी एंड देखते मैं जा भी पाता हूँ या फिर नहीं, बस ट्राई तो पूरा करूँगा जाने की लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। एंड ये बिल्कुल मतलब कि इसके बीच की जगह देखो कितनी कम है, ये यहाँ पर अपनी गाड़ी चल रही है ऊपर कितना कम स्पेस है, बिल्कुल ही बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है, इसकी वजह से कहीं पर रुक रुक नहीं जाए भाई बस ये। तो लेट्स गो अभी यहाँ पर टर्न, वेट अबे एक सेकंड भाई रुक गई है शिट भाई, ये तो गलत ही सीन हो चुका है। अबे यार जो कि मैं बोल रहा था यहाँ पर रुकनी चाहिए, सच में रुक गई भाई और यहाँ से बाहर तक नहीं निकली, ये तो गलत ही सीन है भाई, अभी इसको भी फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा भाई। रुको यार भाई ये तो गलत सीन है भाई, ये इतनी ज्यादा इतने ऊपर तक आ चुके लेकिन यहाँ से जाने में इसको क्या प्रॉब्लम हो रही भाई, अलग ही सीन है भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरे को एग्जिट ही करना पड़ेगा आई थिंक। चलो अभी पैदल पैदल ही चल रहे थे भाई, अभी एग्जिट यहाँ से फिर से रिस्टार्ट थोड़ी करेंगे भाई, पूरा ट्राई करिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर आगे चल रहे नहीं आगे चल रहे नहीं पीछे, अभी कोई ऑप्शन अपने पास सेकंड ऑप्शन है नहीं, तो अभी आई थिंक अपने को यहाँ से एग्जिट ही करना पड़ेगा, एक और बार ट्राई कर लेते नहीं भाई कुछ भी फायदा नहीं। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं एंड पैदल पैदल जाते ऊपर भाई, कितना ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा अपने को। ओके गाइस अभी पैदल ही चलना पड़ेगा अपने को, बस आई थिंक हम टॉप फ्लोर पर पहुंच ही चुके हैं भाई ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये टॉप फ्लोर, एक सेकंड अबे इसे क्यों रोटेट हो रहा। ओके एंड अच्छा गाइस हम जस्ट ऊपर ही आ चुके भाई, काफी सही टाइम पे, मतलब की एक टाइम से काफी सही जगह पर रुके, ज्यादा नीचे होता तो फिर अपने को काफी ज्यादा रिस्टार्ट करना पड़ता, लेकिन अभी हम काफी ऊपर ही पहुंच चुके हैं। ये है फॉर्चुनर लेजेंडरी या फिर सिंपल फॉर्चुनर, जो भी फॉर्चुनर काफी बेस्ट है एंड पूरी टूटी फूटी कैसे है भाई ये, मतलब अपने को न्यू गाड़ियां मिल गई तो न्यू गाड़ियां तो कुछ न्यू तरीके से रहनी चाहिए, बिल्कुल मस्त कलरफुल और बिल्कुल एक चमचमात हुई, लेकिन इसके तो गेट वेट निकले, एक भी गेट नहीं है, 4 गेट भी नहीं है पीछे भी, यहाँ पर ट्रंक वाला गेट भी नहीं, आगे का बोनट तक नहीं है भाई, ये तो गलत ही सीन है। चलो एक बार जंप लगाते और देखते कुछ टूटता है या कुछ भी नहीं टूटा। चलो गाइस अभी चलते हैं आगे एंड देखते अभी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी हो सकती है। तो चलो गाइस अभी रोकते हैं, देखते फोर्थ नंबर की गाड़ी कौन सी होने वाली।